थाना लोहा मंडी क्षेत्र के अंतर्गत आलमगंज चौकी के पास हिंदू लड़की से गैर समुदाय के युवक ने छेड़छाड़ कर दी, जिस पर युवती के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और बाजार को बंद करा दिया था। हंगामे की सूचना पर कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया और युवती के परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया था। पूरे प्रकरण में पुलिस ने बीती रात गैर समुदाय के युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पुलिस जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बताते चलें, बीते दिन थाना लोहा मंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती मंदिर से पूजा करके घर लौट रही थी, तभी रास्ते में गैर समुदाय के युवक ने युवती से छेड़छाड़ कर दी। छेड़छाड़ की सूचना जैसे ही युवती के परिजनों को लगी तो परिजन भी मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा, पूरा बाजार बंद करा दिया। जब हंगामे की सूचना थाना पुलिस को मिली तो कई थानों का फोर्स भी मौके पर पहुंच गया और यूपी के परिजनों को समझा बुझा कर शांत कराया था। पूरे प्रकरण में पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देते हुए गैर समुदाय के युवक को बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। कल जो छेड़खानी का वाक्य सामने आया था, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और कल ही देर रात उसकी गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तार करके उसे आज माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। छोटू उर्फ अरमान उस्मानी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि नामजद था। सर, वजह क्या सर निकल गया, क्यों उसने ऐसी हरकत की? उनके द्वारा दिए गए बयान और साक्ष्यों के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है और इसमें अभी तक वैसा कुछ मामला निकल के नहीं आया है, बाकी और भी जांच की जा रही है। डीसीपी सिटी विकास कुमार ने बताया, युवती के परिजनों ने थाने पर गैर समुदाय के युवक के खिलाफ तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया था और बीती रात दबिश के दौरान पुलिस ने छोटू उर्फ उस्मानी को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।